नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद में इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर आलम मुस्तफा याकूबी ने इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम उठाया है। वे अपने साथियों के साथ फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण कर यह संदेश भी दिया कि अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो इससे पर्यावरण सही रहता है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण भी किया। आज जिला अस्पताल फिरोजाबाद में मरीजों को फल वितरण किए और वृक्षारोपण किया। मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण सही होगा और बीमारियों में कमी आएगी। उन्होंने फल वितरण करते हुए कहा कि देश में कुछ लोग नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आवाम के बीच पहुंचकर मिलते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। उनका साफ मानना है कि जब तक इंसानियत और मोहब्बत नहीं होगी, देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ा मजहब और सबसे बड़ा धर्म है, और जब हम परेशान हालों की, बीमारों की मदद करेंगे और उनका हाल चाल लेंगे तो उनके दिल में भी मोहब्बत आएगी, और जब दिल में मोहब्बत आएगी तो हम लोगों के दरमियान जो नफ़रतें पैदा की जा रही हैं उन नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बत का एक अमन का एक माहौल पैदा होगा। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, इस मुल्क में हर तबके के लोग रहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बतें पैदा की जाएँ और नफ़रतों को दूर किया जाए। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने हिंदू भाइयों, जैनी भाइयों, मुस्लिम भाइयों, सिख भाइयों, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनसे हमारा इंसानियत का रिश्ता पहले है। इसलिए हम यहाँ आए हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि खिदमत सबसे बड़ा, सेवा सबसे बड़ी धर्म है। इसकी हम खिदमत करने के लिए उन परेशान हाल और मरीजों की, इसलिए हमने आज यहाँ फल भी बांटे हैं और पौधे भी लगाए हैं कि जिसके ज़रिए जो ऑक्सीजन मिलेगी, जो हमेशा मरीजों को काम आएगी, वो काम हमने किया है। इसमें हमारे साथ डॉक्टर फैयाज साहब और डॉक्टर आर के पांडे जी ने और ज़िला जज भी यहाँ मौजूद थे, उनके हाथों से हमने ये पौधे भी लगाए हैं और फल भी बांटे हैं। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितना अच्छा माहौल हमारे मुल्क में बनेगा उतना, और उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम खुद अच्छे शहरी बने, अच्छे बाशिंदे शहर के बने, और ये तभी हो सकता है जब हम आपस में एक दूसरे की से मोहब्बत को कायम करें। CMS डॉक्टर आर के पांडे ने इस संस्था के कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि यह पुण्य का काम है, साथ ही मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया जा रहा है। उन्होंने आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाने की उम्मीद जाहिर की है। हजरत हमीदुद्दीन साहेब सूफी का 797वां उर्स है और इसको लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं, और इसी के तहत मिस्टर आलम मुस्तफ़ा याकूबी साहब ने, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ मास्टर ट्रेनर हैं, साथ में वो इस्लामिक सेंटर सोसाइटी के भी जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ पर एक अबू हुर्रेरा है हाई स्कूल भी चला रहे हैं, उसके भी डायरेक्टर हैं वो, तो उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा करके सभी लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल में मरीजों के लिए गरीब फल वितरण का कार्यक्रम रखा था। मैंने उनसे कहा कि यदि आप पौधारोपण भी करेंगे तो न केवल यह एक पर्यावरण के लिए संदेश होगा बल्कि अस्पताल की साफ सफाई में, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता अभियान उन्होंने चला रखा है, तो उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग होगा। उन्होंने इस हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और वह तमाम पौधे लेकर आए और यहाँ पर मरीजों के लिए उन्होंने फल वितरण किया, पौधे भी लगाए, जिससे कि समाज को सीधा सीधा संदेश जाता है कि हमें पर्यावरण बचाना है, साफ अस्पताल को साफ स्वच्छ रखना है, और यह अस्पताल हमारा है। इस अस्पताल की अगर हम देखरेख करेंगे तो यह अस्पताल से हमें पर्याप्त सेवाएं मिलेंगी और हमें यहाँ पर आकर स्वास्थ्य लाभ होगा, गंदगी नहीं होगी, तो सीधी सी बात है बीमारियां भी कम रहेंगी। फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट।